One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और इस बात का हमें संतोष है कि जिस जिस नई शुरुआत को लेकर हम बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों में भी देर सवेर दिखाई देने लगती है। स्वराज इंडिया ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू की और एक उम्मीदवारों की नई नीति की घोषणा की, जिसमें हमने कहा कि हम जनरल सीटों पर महिलाओं को भी एनकरेज करेंगे, युवाओं को हम प्रोत्साहित करेंगे, जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट वर्ग के लोगों को भी उतारेंगे। और हमें संतोष है कि अब तक इस सिद्धांत को स्वीकार करना दूसरी पार्टियों ने भी कुछ कुछ शुरू कर दिया है, उतना नहीं जितना हमने किया, पर शुरुआत हो गई है, बहुत संतोष की बात है। स्वराज इंडिया की तरफ से हमने पहली बार कैंडिडेट के निर्धारण के लिए एक नई तरह की नीति की घोषणा की, इंटेग्रिटी कमेटी की घोषणा की। वो विचार को स्वीकार करने में पार्टियों को ज्यादा वक्त और हिम्मत नहीं थी, लेकिन सामान्य पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी अपनी उम्मीदवार की चयन की प्रक्रिया में बदलाव शुरू कर दिया। और दूसरा, दिल्ली के एक मंत्री के भ्रष्टाचार की खबर जो कल बहुत बड़ी खबर बन रही थी, अचानक ज्यादातर अखबारों से गायब। अब जाहिर है सहयोग ही रहा होगा, इन दोनों में संबंध है ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन इस सबसे आपको पता लगता है कि एक साधन विहीन संगठन की कितनी सीमा है। हम अखबारों के इतने पन्ने ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते उसके लिए, हमारे पास तो आप तक अपनी बात पहुंचाना ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए हम उनकी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में स्वराज इंडिया की तरफ से हम एक और इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं आज, और फिर हमारी उम्मीद है कि बाकी सब पार्टियां जब धीरे धीरे जागेंगी इस बारे में, तो हम जो इनिशिएटिव आज शुरू कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ परछाई बाकी सब में भी दिखाई देगी। हम आज यहां एक विजन फॉर म्यूनिसिपल गवर्नेंस दिल्ली, दिल्ली में म्यूनिसिपल गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी, दिल्ली के स्थानीय निकायों में, ये मैनिफेस्टो नहीं, हम तीन अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। उसमें हरेक की अलग अलग वित्तीय स्थिति है, हरेक की कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हरेक के कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक सॉल्यूशन हैं, उनका जिक्र होगा, लेकिन पूरे दिल्ली को, इन तीनों क्षेत्रों को मिला के दिल्ली के बारे में पूर्ण समझ हमारी क्या होती है उसे हमने इस दृष्टिपथ में रखा है। तो इसमें स्पेसिफिक चुनावी वायदे नहीं है, इसमें आंकड़े नहीं है, और इसमें दूसरों की आलोचना है। हम केवल कहना चाहते हैं कि हम जो बेहतर काम करेंगे उसकी क्या दृष्टि हो, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस प्रेस वार्ता के बाद ये पर्चा आपको देंगे, सबको मेल कर देंगे और वेबसाइट पर डाल देंगे।